हेलो फ्रेंड, ये हमारे साथ 28 सितंबर के बैच है, इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है, इनका आज का कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर भी इनका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इनसे पूछेंगे कि इनका 4 दिन का सफर कैसा रहा और जो पहले से काम कर रहे थे उनको कुछ नया मिला कि नहीं मिला। तो ओवरऑल कैसी रही सॉफ्टवेयर की क्लास? तो यहाँ पे आपको हमें कोई भी फोन आ जाएगा आपके हाथ में तो सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है? कर पाओगे उसकी फ्लैशिंग और उसकी अनलॉकिंग कर पाएंगे? अभी कैसा लग रहा है, अभी आप फ्रेशर हो कि अब नहीं हो? नहीं, कर लेंगे अभी आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप अपना नाम और कहाँ से हैं? जी मैं कादिर हूँ, मेरा नाम है यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं, तो बस इतना आप पहले से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बिल्कुल फ्रेशर थे। आप फ्रेशर हैं क्या? जी सर, अभी भी फ्रेशर है? अभी नहीं फ्रेशर। आप फ्रेशर नहीं है, तो जो आपको देख रहा है यूपी से आप, तो क्या बोलना चाहेंगे, फ्रेशर स्टूडेंट आना चाहिए उनको समझ में आएगा नहीं आएगा? एक बार नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी चीज पूछ रहे हो और उसका जवाब ना मिल रहा हो? मिल रहा है सर। अगर एक चीज आप में डाउट है तो वो आप स्किप कर देते हैं कि बताते हैं? बताते हैं सर, बताते हैं। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सॉफ्टवेयर में? समझ में आया आपको? पूरा समझ में आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, अपना नाम और कहाँ से? जी सर, मैं राजकुमार भट्टाचार्य हूँ और वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल, बस आपसे छोटा सा सवाल, कैसा रहा आपके लिए सॉफ्टवेयर? सर ये सॉफ्टवेयर मोबाइल और सॉफ्टवेयर के बारे में तो मैं फुल नया हूँ जी, जी, लेकिन आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा से सीखा हूँ और बहुत अच्छा। अब उसको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है? चलिए थैंक यू सो मच। जी सर, हमारे साथ एक स्टूडेंट है, अपना नाम और कहाँ से? मैं विवेक कुमार, झारखंड से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इससे पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? नहीं सर, नहीं करते थे। नहीं। अभी आपको किसी भी फोन की दे दिया जाए, चाहे ओप्पो वीवो एमआई की अनलॉकिंग दे दिया जाए, कर लोगे आप? जी सर। टूल आपको जो भी यहाँ पे सिखाया गया है प्रैक्टिकल सिखाया गया, केवल थ्योरी नॉलेज दिया गया? प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल सिखाया गया। यहाँ पे फोन को डेड किया गया कि नहीं किया गया? आपको कैसे लाइव बताया गया कि नहीं बताया गया? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा का मतलब जो आप सोचे थे सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? नहीं सोचे थे, वो सीख लिए। सीख लिए, वो आपको प्रैक्टिकल मिला? जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मैं राजू कन्नौजिया हूँ सर, मैं मुंबई से हूँ सर। अच्छा आप मुंबई से हैं, तो आपने एसआई टेलीकॉम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी फुल कोर्स ज्वाइन किया, आपकी हार्डवेयर कंप्लीट हो गई, सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल कैसा लग रहा है, आप सीख पाए या नहीं सीख? बहुत अच्छा सर, सीख गया सर। सीख गए, अब आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, जो आपने देखा है उसको आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करना है। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तभी आपके साथ एसआई टेलीकॉम साथ में है, अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले के साथ ही कौन है? मेहनत नहीं करेगा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मेहनत करना है, आप यहाँ से सीख गए हो, आगे चल के आपको जो भी बताया गया इंटरफेस सब प्रैक्टिकल बताया गया कि बस थ्योरी बेसिस? नहीं सर, प्रैक्टिकल सर। ओवरऑल अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा सर। कर पाएंगे? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम विराज कुमार मेहता, मैं नेपाल से सर। नेपाल से हैं, तो इससे पहले आप सॉफ्टवेयर काम करते थे? करते थे। कितने सालों से कर रहे हैं? दो साल से कर रहे थे। बस आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। 4 दिन का बहुत लग रहा है सर। बहुत लग रहा है 4 दिन वाला कि 2 साल वाला? 4 दिन वाला। 4 दिन वाला क्या लग रहा है? 4 दिन में सर मैं ऐसा देखो, बैनरी हमको नहीं पहचान में आता था, कौन सा टूल यूज करना है वो नहीं मालूम, कौन सा सीपीयू वाइज हो रहा था, मैं मॉडल फाइल वाइज कर रहा था। फाइल वाइज कर रहा था। अभी जो आपने बनाया है ये क्या है सर? ये सीपीयू वाइज है। ये आपका 4 दिन, मतलब ये क्या है, मतलब इसको देख करके सॉफ्टवेयर हो जाएगा? जी सर, आप सही बता रहे हैं। हाँ, ब्रेज नहीं होगा। इसको देख करके सॉफ्टवेयर हो जाएगा? इसकी कितनी वैल्यू है? बहुत वैल्यू है, देख सकते हैं। ये 4 दिन का केवल एक पेज में? जी सर। 4 दिन का कितने में हो गया है? अगर इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो रिविजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस यही लिखवाएगा कि और भी नोट्स बनवाएगा? जो भी सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है सारे नोट्स बने? यस सर। ओवरऑल अब आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको लग रहा है आप डेड नहीं हुआ, डेड भी हो जाएगा तो बन जाएगा। डेड हो जाएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे डेड हुआ था फोन? हुआ था, फिर उसका फिर चालू किया सर। चालू हो गया था सर, हमने किया। अच्छा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है मैं यूज करता हूँ कि स्टूडेंट करते हैं? मैं यूज करता हूँ। क्या माउस कभी भी? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए
हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम शिवरतन है, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, आप नेपाल से हैं, पास पास में ही है? नहीं नहीं, मैं लुम्बिनी साइड में है। अच्छा, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे? कभी नहीं सर, कभी नहीं किया। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कर पाएंगे? आपने तो सारा चीज नोट भी किया हुआ है। इन्होंने, मैं इनका पर्सनल बताऊं कि इन्हें हर एक चीज मूवमेंट को इन्होंने नोट किया हुआ है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। पर अभी मेहनत करना है कि नहीं करना? करना सर, जरूर। तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रहा। नेपाल से कोई स्टूडेंट देख रहा है तो क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि एशिया टेल का, मैं इंडिया का नहीं सर, लगता है पूरे एशिया का नंबर वन। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत टफ है या हार्ड है? बहुत अच्छा है, और डीपली इंग्लिस पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझा के फिर। तो ओवरऑल आपको समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? यहाँ से कृष्णवासी राठौड़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़। तो आप हमसे ये बताइए कि पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे? नहीं सर, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? अब आपको कभी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए, कर लोगे? आराम से। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में केवल कितने काम है? दो काम। कौन कौन से? फ्लैशिंग और अनलॉकिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं? तो यहाँ पे अगर कोई भी मॉडल का दे दिया जाए तो फ्लैशिंग आराम से। अभी आप फ्रेशर हो? नहीं अभी नहीं हूँ, अभी तो सीख गया हूँ। पहले तो सॉफ्टवेयर हार्ड लगता था, बहुत सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट हो गया? पहले आप मार्केट में काम देते थे? नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर अपनी शॉप में किसी? हाँ, तो दूसरी दुकान से करवाते थे, पर कभी किया नहीं। अब तो कर लेंगे, अब तो दूसरी दुकान वालों का हम भी करेंगे। दूसरी दुकान वालों का हम खुद करेंगे। सही बोल रहे हो? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? मैं गणेश गगले फ्रॉम ब्रह्मपुरी इन महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से आप? तो इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते थे? अब आपको किसी भी चीज की अनलॉकिंग या बहुत हार्ड लगा क्या? नहीं नहीं सर, अब तो सिंपल लग रहा है। इजी है? कितने स्टेप है सॉफ्टवेयर करने? सर मतलब बोले तो दो स्टेप। कितने स्टेप है? पांच स्टेप है। जॉब डन हो जाएगा? हाँ सर, ये प्रैक्टिकल है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, एफआरपी कितने कितने सेकंड में हट सकते हैं? एक सेकंड। ये ऐसा बोलना है कि बस करके भी मिला? पॉसिबल है? चलिए ठीक है। ओवरऑल अगर आपको कोई महाराष्ट्र से देख रहा है तो आना चाहिए या नहीं आना? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, बढ़िया है। आपने जो सोच किया था वो मिला? हाँ सर। चलिए थैंक यू सो मच, उससे भी ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? शफीकुल शेख, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं। तो चलिए आप ही बताइए, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर पे कि नहीं करते? नहीं सर। हम इसलिए पूछे हैं बार बार कि आप काम करते थे, क्योंकि हम आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि ओवरऑल आपको कुछ मिला या नहीं मिला नया। तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करते? नहीं सर। तो अभी आपको क्या लग रहा है, काम कर पाएंगे? यस सर, कर पाएंगे। आपके जैसा फ्रेशर स्टूडेंट अगर आपको कोई देख रहा है, वो भी सोचता है कि सॉफ्टवेयर का काम हम सीखें, तो क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना? जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अच्छी तरह तो सीखना है तो इसी टेलीकॉम में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पूछने पे मना कर देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं। कितनी बार मतलब रिपीट करते हैं? नहीं रिपीट करे उतने बार। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ स्टूडेंट और है, अपना नाम? नाम से झारखंड से। झारखंड से है। तो चलिए आप मुझे ये बताइए, इससे पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर पे? जी सर, थोड़ा थोड़ा बहुत काम करते थे। तो कहाँ पे फंसते थे सर? जैसे डेट हो गया या फाइल नहीं चल रहा, कहीं एरर आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, फाइल का नॉलेज भी उतना नहीं था। जी जी जी। अगर आपसे मैं बताऊँ कि सैमसंग की अगर 50 फाइल है, 50 नहीं चलिए 10 फाइल है, उस 10 में से हमें एक फाइल डाउनलोड करना है, तो कर लेंगे? जी सर। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? 10 में से एक फाइल डाउनलोड कर लेंगे? चलिए, ओवरऑल अब आपका एक्सपीरियंस क्या है? अभी तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर झारखंड से कोई आपको देख रहा है तो क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। जो आपने सोचा था वो मिला कि नहीं मिला? उससे ज्यादा मिला सर, उससे ज्यादा मिला। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम बताइए। संदीप वाधवानी, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। तो चलिए बस दोस्त, आप फ्रेशर थे या नहीं थे? फ्रेशर था, मेरी खुद की शॉप है। खुद की शॉप है? सॉफ्टवेयर का काम करते थे पहले? मार्केट से करवाते, मार्केट से करवाते थे। अब क्या है बताइए ओवरऑल? अब खुद करो, अब खुद करेंगे। अब मार्केट का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? का काम भी हम ही दिल से बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हम फटाफट रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो ना बना करके ओवरऑल बस एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ले लेते हैं। अपना नाम और कहाँ से? मेरा नाम है राजस्थान। आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते थे। अभी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जो है एकदम जेन्युइन बताइए कि आपको ओवरऑल कैसा लगा सॉफ्टवेयर? समझ में आई सारी चीजें? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मेरा नाम रोहतास है, आगरा से। आगरा से। तो आप हमें बताइए, पहले आप सॉफ्टवेयर काम करते थे? बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते थे। तो ओवरऑल अभी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे समझाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया सर जी। बहुत बढ़िया का मतलब आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए? अगर आपको फोन दे दिया जाए अनलॉकिंग करने के लिए, आप कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। उसको किस वे में, स्टेप बाय स्टेप, ड्राइवर का नॉलेज, सारा नॉलेज मिला कि नहीं मिला? चलिए ठीक है, थैंक यू।
हमारे साथ एक स्टूडेंट है, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पहले भी स्टूडेंट, आपने इनको देखा होगा, तो आप ही थोड़ा बताइए क्या है आपका। मैं चंदन कुमार, देवघर झारखंड से हूँ जी, और मैं सॉफ्टवेयर का काम लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से आप सॉफ्टवेयर, उससे पहले आप पहले भी आए थे? हाँ सर। और इन केस में ये स्टूडेंट चले गए थे एनी रीजन कारण घर, तो इन्होंने वापस ज्वाइन किया है। तो अब बताइए, आप 10 सालों से काम कर रहे थे, तो 10 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस? नहीं सर, ये 4 दिन का एक्सपीरियंस 10 साल पे हावी हो गया है सर। 10 साल पे हावी है, तो आपको कुछ नया मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल सर, बहुत कुछ 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 ट्रिक है जो है वो नहीं मिली है, भर्ती बाईपास वगैरह के नए नए ट्रिक मिले हैं जी, वो बेस्ट है सर। अब छोटा सा सवाल कि जो सोचते हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, बगैर एशिया टेलीकॉम के, और ये सब ट्रिक्स एशिया टेलीकॉम ही दे सकता है, क्योंकि ये सारी चीज यूट्यूब में डली है क्या? नहीं सर, ये ट्रिक तो यूट्यूब में नहीं डली। तो ये कहाँ मिलेगा? ये एशिया टेलीकॉम। ये दिल से बोल रहे हैं आप? एकदम बिल्कुल सर, दिल से बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई झारखंड वहाँ से देख रहा है, तो क्यों आया एशिया टेलीकॉम? बस दोस्तों सर, एशिया टेलीकॉम इसलिए अगर न्यू ट्रिक के लिए या फिर जीरो से लेके हीरो तक बनना हो तो वो एशिया टेलीकॉम आया सर। ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे कि वो खुद अपडेट, इसके बाद वो खुद रिव्यू देंगे सर। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? सर मैं निजामबाद तेलंगाना से हूँ। छोटा सा सवाल कि आप पहले काम करते थे या नहीं करते थे? करता था सर। कितने सालों से कर रहे थे? 3 साल से। 3 सालों से आप काम कर रहे थे, 3 साल का एक्सपीरियंस और 4 दिन का एक्सपीरियंस? 3 साल में बस मैं ये करता था, जो फोन अनलॉक हो गया, जो फाइल मिली तो फ्लैश कर दिया, तो हो गया, डेड हो गया तो छोड़ दिया। तो कुछ नया मिला आपको? बहुत कुछ मिला सर। अच्छा एक चीज, जैसे आप जैसे 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, तो क्या वो सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे ये चीज? इतने इजी वे में एशिया टेलीकॉम के टीचर सारे बता रहे हैं कि वो आराम से सीख लेंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको काफी टाइम लगा होगा सीखने में, तो इनको 4 दिन में सीख रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? 4 दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन रास्ता पता चल गया है सर, रास्ता उसमें मेहनत, अब उसमें मेहनत करना है। तो ये आपका 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो बाकी इनका मतलब समझाने का तरीका कैसा है, क्योंकि आपने सारी क्लास ज्वाइन की? सर वो टीचर लोग इतने इजी वे में समझाते हैं कि कस्टमर के माइंड में अच्छा के लिए अच्छे से चले जाए और अच्छे से वो समझ जाए। चलिए चलिए थैंक यू सो मच। ओवरऑल आपको कोई देख रहा है तो क्यों ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करे? बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, जिसको नॉलेज लेना है, जिसको ट्रिक मालूम करना है, उसको ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए। आपने जो सोचा था वो आपको मिला? बहुत कुछ मिला सर। चलिए थैंक यू सो मच। अजय हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, तो अपना नाम और कहाँ से हैं? तो करमजीत जी, आप हमें ये बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? हाँ जी सर, मैं पहले करता था। कितने सालों से कर रहे हैं? 10 सालों से आप काम कर रहे हैं, तो वही सवाल, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट ने जिन्होंने कभी भी माउस नहीं पकड़ा है, तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो सीख पाए हैं कि नहीं पाए? हाँ जी सर, बहुत इजी तरीका है, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे 10 साल में कुछ आपको नया मिला? सर मुझे बहुत कुछ नया मिला है, जहाँ पे मैं फंसता था वो इजी ट्रिक मिल गया। इजी ट्रिक मिल गया, अभी आप कर पाओगे अभी? हाँ जी। मार्केट का काम जो नहीं हो रहा था वो आप कर पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे? मार्केट का काम सर मैं पहले भी करता था जी जी, अभी जो मैं नहीं होता था वो भी कर सकता हूँ। नहीं होता था वो भी कर सकते, कोई भी सेट नहीं लौटेगा, क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ, अभी तो MMC बाकी है, उसमें आपका एंडलेस सोल्यूशन मिल जाएगा कि एक्चुअल में फोन अगर डेड है या फिर सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है, हार्डवेयर से प्रॉब्लम है, वो सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट है और जो पहले से काम कर रहे हैं? अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी है तो अपडेट होना है तो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? संतोष कुमार, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं, तो आप वही सवाल आपसे भी है कि आप पहले से काम करते थे? नहीं सर। नहीं करते थे, बिल्कुल फ्रेशर थे? तो बिल्कुल फ्रेशर था। बिल्कुल फ्रेशर थे, अभी फ्रेशर है क्या? नहीं सर। नहीं है फ्रेशर, अभी आपको किसी चीज़ की अनलॉकिंग दे दिया, कर लेंगे? कर लेंगे सर, 4 दिन का एक्सपीरियंस बहुत है हमारा। बहुत है अभी सर। ड्राइवर का एरर हो, जो भी एरर हो, वो सब लाइव दिखाया गया? पूरा लाइव। तो ये दिल से बोल रहे हो? जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं? अपना नाम और कहाँ से? मेरा नाम कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा आप राजस्थान से, तो आप बताइए पहले आप इससे पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे? हाँ सर, 1.5 साल से काम कर रहा था मैं। आपकी स्माइल तो शुरू से देखा जा रहा है, क्योंकि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अभी MMC का भी आपको रिव्यू आना बाकी है, तो ओवरऑल कैसा रहा ये 4 दिन का सफर? बहुत अच्छा है सर। जो जी सर, जो 6 महीना हमें नहीं मिला है वो 4 दिन सीख गए सर पूरा डिटेल से। कहाँ पे आप फंसते थे फिलहाल?
जाते एफ आर पी में फंसते थे। आपने कितने टाइम टाइम में देखा, कितना ज्यादा हार्ड लगा? बहुत इजी सर, सिर्फ 2 सेकंड में एफ आर पी बाईपास हो जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया गया कि बता करके? ना सर, प्रैक्टिकल करके बताया गया है। आप सर्टिफाइड हो? जी सर। क्या बोलना चाहेंगे राजस्थान से अगर कोई आए? जिसको भी अच्छे से नॉलेज सीखना है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? सर मैं कृष्णा सिंह सर, एमपी से। एमपी से? तो आप ही बताइए, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में सर मैं करता था सर काम, लेकिन अच्छी तरह से नहीं बनता रहा मेरे सॉफ्टवेयर, बहुत हार्ड था, लेकिन अब इजी हो गया सर। इजी हो गया? ये सच बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर कम्प्लीट हुआ है, अभी सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ है, अभी एमएमसी बाकी है आपका। जी सर, जी सर। वो मिलन सर के साथ आपका एक्सपीरियंस रहेगा, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा, लग रहा है बहुत ईजी है सर। बहुत ईजी है, अब इसमें मेहनत करना है आपको। क्या करना है? मेहनत करना है सर। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से, कुमार तमंग। अच्छा कुमार, कुमार आप हमें ये बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? सॉफ्टवेयर नहीं करते सर। नहीं करते थे, अब करेंगे? अभी करेंगे। बहुत हार्ड लग रहा है? अभी नहीं सर। यहाँ समझाने का तरीका कैसा है? इधर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल बेस से क्लास। स्पेशल स्टूडेंट सीख सकता है या नहीं सीख सकता? सीख सकता है, प्रैक्टिकल बेस है, इधर करके दिखाता है कोई भी फोन का प्रैक्टिकल कर रहता है। आपने जो सोचा था आपको मिला? हाँ बहुत मिला मेरे को। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से है? मेरा नाम भरत है, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा भरत, आप हमें ये बताइए, आप पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे? नहीं सर, जीरो था पूरा। अभी आपको अगर कोई भी चीज की अनबॉक्सिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए, आप करवाओगे? सर आराम से करवाओ। ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का? बहुत अच्छा रहा, मैं फर्स्ट डे पे आपकी क्लास ले रहा था सर, मुझे नहीं समझाया, मैंने घर पे जाकर रूम पे जाके आपकी रिव्यू देखी, टूल्स क्या है, फाइल्स क्या है, बूटिंग क्या है, सब रिव्यू देखे आपको, फिर सीखा, फिर सेकंड डे पे पूरा सर माइंड सेट हो गया। फिर आपने कभी लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे किया इंस्टीट्यूट में? आपने चलाया? हाँ सर चलाया, खुद से किया था? पूरा दिन मैं ही था यहाँ पर। तो समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आ गया। तो ओवरऑल जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि वो आना चाहिए? ये सोचिए मत, सीख जाओगे आराम से, सीख जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? निखिल। निखिल आप हमें ये बताइए, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में काम नहीं करते थे, अब कर पाओगे? कॉन्फिडेंस कर पाएंगे? कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा ये कॉन्फिडेंस आता कैसे? आप सीख पाते हो जो आपको सिखाया जाता है तब की, जब नहीं सीख पाते हो? जब सीखेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। ये दिल से बोल रहे हैं? जी सर। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक लास्ट स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से? सर मेरा नाम कैलाश प्रजापत है, मैं राजस्थान से। चलिए बस आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे पहले? सर मैं करता था। तो सॉफ्टवेयर में कहाँ फंसते थे और कुछ नया मिला है? सर मैं जो पहले लोगों पे जो सेट आते थे वो सारे डेड ही करता था। जी जी। पर अब मुझे लगने लगा कि अब डेड नहीं होंगे। डेड नहीं होंगे? सारी ट्रिक ही बताई गई है सर, डेड हो गए तो चालू कर दूंगा। ओवरऑल आपको अगर राजस्थान से कोई देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे? सर जिसको सीखना है वो आए, जिसको नहीं सीखना है वो घर पे खाना खाए और सो जाए। ओवरऑल आप छोटा सा एक्सपीरियंस ये बताइए, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको सही तरीका दिया गया बताएगा नहीं बताएगा? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया ट्रिक दी गई है और बढ़िया काम से सिखाया गया। चलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए ओवरऑल जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाया गया तो फिर प्रैक्टिकल सिखाया गया कि बता करके? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे केवल बोर्ड में दिखा दिया गया हो, पूरा प्रैक्टिकल दिखाया गया। एफआरपी अगर अनलॉकिंग की बात की जाए तो अब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नोट दिखाना, फाइनल नोट्स सभी लोग। एक छोटा सा सवाल, कितना इम्पोर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? और ये सारी क्लास है आपकी कि नहीं है? अगर आप इसको एक बार देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो क्या बोलना चाहेंगे लास्ट? सब बहुत ही बढ़िया, बेस्ट है सर। समझ में आया? चलिए तो एशिया इंडिया का नंबर स्टूडेंट कौन है? थैंक यू सो मच।